हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में मंथली करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मार्च 2024 का है और ये पार्ट टू है। पार्ट वन पहले ही अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं, चैनल में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डे एंड थीम हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले 18 मार्च को है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, 20 मार्च को है फ्रेंच लैंग्वेज डे, 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है और 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे है, विश्व गौरैया दिवस। और इसका जो थीम है आई लव स्पैरो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है ये। उसके बाद है 20 मार्च है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, और इस बार का जो थीम है ये हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी बॉडी। 21 मार्च को है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, ये न्यू सॉल्यूशन फॉर ये बेटर वर्ल्ड। 21 मार्च को है वर्ल्ड फॉर पोएट्री डे, और इस बार का थीम है स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, ठीक है? 21 मार्च को है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या है, जातीय भेदभाव का उन्मूलन का दिवस है ये, ठीक है? और इस बार का जो थीम है वो ये डिकेड ऑफ रिकॉग्निशन जस्टिस एंड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल एंड अफ्रीकन डिसेंट। तो थीम इम्पॉर्टेंट नहीं है बट डे इम्पॉर्टेंट है। 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को ही वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस। इस बार का थीम है वाटर फॉर पीस, वाटर फॉर पीस, ओके? तो नेक्स्ट है 23 मार्च को है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, और इस बार का जो थीम है एस वी कैन एंड टीवी। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे है और इस बार का जो थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 23 मार्च को शहीद दिवस है, शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1931 को 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है? 24 मार्च को है इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स। 25 मार्च को है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। 25 मार्च को है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विथ डिटेंट एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, ओके? और 26 मार्च को है पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी। उसके बाद 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब शिफ्ट एग्जाम में ज़्यादा हो जाता है तो उस समय ये सब क्वेश्चन पूछा जाने लगता है, तो याद रखेंगे ये। 27 मार्च को है वर्ल्ड थिएटर डे, 28 मार्च को है पियानो डे और 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, 30 मार्च को है राजस्थान दिवस, ठीक है? अब आते हैं नेशनल न्यूज़ पर। नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले है गवर्नमेंट लॉन्चेज अल्टरनेट ऑटो फ्यूल इथानॉल 100। नाम क्या है? इथानॉल 100। अब इथानॉल 100 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है इथानॉल 100। तो इथानॉल 100 का नाम जो है इथानॉल 100 इसलिए है क्योंकि इथानॉल तो है इसमें बट 100% इथानॉल है, कुछ भी मिलावट नहीं है, इसीलिए इथानॉल 100 है, ठीक है? और ये इथानॉल 100 जो है वो ऑटोमोटिव फ्यूल है, मतलब कि गाड़ियां चलाने के लिए, ठीक है? और ये किससे मिलता है? मेद से, मक्का से, शुगर केन से, राइस ब्रान से, ये सबसे मिलता है, ठीक है? और ये क्या है, ये बोल सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है जो कि जगह ले रहा है फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है, ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन करता है। कौन? फॉसिल फ्यूल। लेकिन ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए हम लोग इथेनॉल का यूज करेंगे और भी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यूज करेंगे, ठीक है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, ठीक है? तो हरदीप सिंह पुरी ने ये लॉन्च किया है
कहाँ कहाँ लॉन्च किया? ये दिल्ली में लॉन्च किया, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। टोटल 183 खुदरा दुकान जो है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2025-26 तक 20% इथेनॉल जो है, 20% इथेनॉल का मिक्सचर जो है उसको हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे क्या हो, आयात निर्भरता, जो फॉसिल फ्यूल है उसका, उस पर आयात निर्भरता कम हो और कृषि क्षेत्र जो एग्रीकल्चर है, इंडिया का एग्रीकल्चर, उसको बढ़ावा मिले। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया एंड सिंगापुर साइन MOU। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस पर लॉ पर और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पर, इन दो विषयों पर, इन दो सब्जेक्ट पर MOU किया गया है इंडिया और सिंगापुर के बीच। अब थर्ड है, कश्मीर होस्ट फर्स्ट फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट अलोंग डल लेक। कश्मीर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट हुआ, कहाँ पर, डल लेक के किनारे। ओके, इलेक्शन कमीशन लॉन्चेज नो योर कैंडिडेट्स। इलेक्शन कमीशन ने नो योर कैंडिडेट एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इससे आप अपने कैंडिडेट को, लोकसभा का चुना हो और विधानसभा का चुना हो, तो उसमें से आप अपने कैंडिडेट के बारे में जान सकते हैं। इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट बाय 3F ऑयल पाम स्टार्ट्स, 3F ऑयल पाम स्टार्ट्स कमर्शियल ऑपरेशन एट अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पर किया गया है कमर्शियल ऑपरेशन इसका? ये किया गया है दिबांग वैली में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में। ओके, अब ये दिबांग वैली में किया गया है, तो यहाँ पर एक जो ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट है, तो हिंदी में बोल सकते हैं एकीकृत ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट, कहाँ पर है ये? नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली में। ठीक है, कौन, किसने किया है? तो ये किया है 3F ऑयल पॉम। ओके, 3F ऑयल पॉम ने किया है, और ये इसमें बहुत ही ज़्यादा संभावना के बावजूद भारत वर्तमान में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और अपनी आवश्यक पाम तेल का कितना 96% आयात कर रहा है, 96% अभी भी आयात कर रहा है। ठीक है, इम्पोर्ट कर रहा है, और जो देश के खाद्य तेल का जो एक्सपोर्ट का बिल है उसमें 60% ही अकेले बनाता है, 67% बनाता है, जो कि कुल मिलाकर 1,00,000 करोड़ रुपये का हो जाता है, 1,00,000 करोड़ रुपये का। ओके, और ये किस, कौन करता है ये काम? तो NMEOP बनाता है, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, OP, नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, OP का मतलब ऑयल पॉम, इसी के अंडर ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड जो पॉम ऑयल पॉम प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके, और अभी भी इसमें से थोड़ा और भी जानने की जानकारी लेंगे, तो 2022-23 में 16.5 मीट्रिक टन जो है, मिलियन मीट्रिक टन जो एडिबल ऑयल है उसका इंपोर्ट किया गया, और जिसमें से पॉम भी शामिल है। ठीक है, और इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में से 9.8 मीट्रिक टन, सोयाबीन का भी 3.7, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से, और सूरजमुखी का भी यूज किया गया। तो इंडोनेशिया और मलेशिया जो प्रमुख वैश्विक, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉम तेल उत्पादक हैं, वो कौन कौन है? इंडोनेशिया और मलेशिया, ये दो देश हैं। उसके बाद आता है थाईलैंड, कोलंबिया और नाइजीरिया। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, इलेक्शन कमीशन लॉन्चेज मिशन 440 कैंपेन इन हिमाचल। तो ये हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 एक इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया है, और ये मिशन 414 का मतलब है 414 वैसे पोलिंग स्टेशन जहां पर 60% से कम पोलिंग होता है, 60% से कम पोलिंग होता है, उसको चिन्हित करना और वहां पर पोलिंग जो है, मतदान बढ़ाना। ओके, नेक्स्ट है, गुयाना 2 एक्वायर 2 हाल मेड ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट। हाल मेड का मतलब HAL
HAL बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने बनाया है ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट और उसको खरीदा है गुयाना ने, ठीक है। इसका काम है तटीय इलाकों का, समुद्र तटीय इलाकों का देख रेख करना और भी जो समुद्र के इलाके हैं उसमें से देख रेख करना। टाटा सन्स ने 0.6% स्टेक जो है वो TCS में बेच दिया, कितने, 93,9,300 करोड़ से ज्यादा में, ठीक है। आईसीआरए ने फोरकास्ट किया, भविष्यवाणी किया है कि इंडियन आईटी सर्विस जो है इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ करेगा 3 से 5% तक, कब, फाइनेंशियल ईयर 2025 में, ओके। इंडियन नेवी और आईआईटी खड़गपुर में के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जो कि ये ड्राइव करेगा इनोवेशन किसके थ्रू, रिसर्च और पार्टनरशिप में। और मेटा ने पार्टनरशिप किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, किस लिए, आइडेंटिफाई अनलॉफुल कंटेंट फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म। मतलब कि मेटा क्या है, मेटा एक पेरेंट कंपनी, इसके अंदर आता है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें जो भी कंटेंट अनलॉफुल कंटेंट, ठीक है, गैर कानूनी कंटेंट जो भी अपलोड किया है उसको आइडेंटिफाई करेगा। इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे, इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पर खुला है, न्यू दिल्ली में, ओके। अब यहाँ पर फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे के बारे में भी हम लोग याद रखना है। और ये जो है नई दिल्ली में कहाँ पर खुला है, शालीमार बाग में, ठीक है, ये नई दिल्ली के शालीमार बाग में खुला है, तो याद रखना है ये। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नेशनल न्यूज में, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का फुल फॉर्म होता है ये, और कृषि जागरण, ये दोनों ने साइन किया है MOU, और किसके लिए, जो ICAR का इनिशिएटिव है उसके उसको प्रमोट करने के लिए, किस लिए, इंडियन एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए, ओके। CCI बोले तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी जो चेयरमैन है वो है रवनीत कौर, कौन है, रवनीत कौर, ठीक है। तो रवनीत कौर ने अप्रूव किया अल्ट्राटेक सीमेंट और केशवराम सीमेंट का जो बिजनेस का डील था 7,600 करोड़ रुपये का, उसको अप्रूव किया है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज कौन है, गीगा फैक्ट्री, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जब से 370 आर्टिकल हटा है तब से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, है ना। अभी आपने पीछे ही पढ़ा Formula 4 कार रेसिंग का आयोजन हुआ डल लेक के किनारे। आईआईटी मद्रास जो है उसने डेवलप किया कस्टमाइजेबल इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर, ओके। ग्रिड इंडिया इज नाउ ए मिनी रत्न कंपनी, तो ग्रिड इंडिया जो है नया मिनी रत्न कंपनी बन गया, पहले था 74 तो अब हो गया है 75। 47th मीटिंग हुआ किसका, नेशनल कमिटी ऑफ आर्काइविस्ट, कहाँ पर, श्रीनगर में, ओके। और फोर्थ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ये ऑर्गेनाइज हुआ नई दिल्ली में, तो इसमें से हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है और समझा भी दे रहा हूँ। तो फोर्थ SCO स्टार्टअप फोरम जो है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन इलेक्ट्स इंडिया एज ए को चेयर ऑफ इट्स डिजिटल इनोवेशन बोर्ड, डिजिटल इनोवेशन बोर्ड्स के लिए को चेयर करेगा इंडिया, ठीक, सह अध्यक्षता। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन इंद्रावती जो लॉन्च किया गया हैती में, किसने लॉन्च किया, तो ये विदेश मंत्री हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने ये लॉन्च किया, ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने ये लॉन्च किया कहाँ, हैती में जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने के लिए। हैती में
हिंसा फैल गया है और वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती, यहां से निकाल करके लोगों को ले जाया जा रहा है। कहां पर? तो ये ले जाया जा रहा है ऑपरेशन इंद्रावती से हैती से सेंट डोमिंगो में भारतीय मिशन है। और सेंट डोमिंगो किसका राजधानी है? डोमिनिकन गणराज्य का। यहाँ पर हैती में भारतीय मिशन नहीं है, ओके, सेंट डोमिंगो में। सेंट डोमिंगो कहाँ है? डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, इसका कैपिटल है सेंट डोमिंगो। यहीं पर भारतीय मिशन है और यहीं पर एम्बेसी से कंट्रोल किया जा रहा है वहां पर, ओके। टेक महिंद्रा कोलेबरेट्स विथ IBM ड्राइव डिजिटल एडोप्टेशन एडोप्शन। तो टेक महिंद्रा ने कोलेबरेट किया है IBM के साथ। ECI ने लॉन्च किया सक्षम ऐप, किसके लिए? जो दिव्यांग है उनको वोटिंग करने में आसानी हो उसके लिए। भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है, क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट किया है टीबी के वैक्सीन का, टीबी के वैक्सीन का नाम क्या है? एम टीबी वैक। हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो उन्होंने अटेंड किया 140th असेंबली, किसका? इंटर पार्लियामेंट यूनियन, स्विट्जरलैंड जेनेवा में, ओके। हरिवंश नारायण सिंह क्या हैं? ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। स्टार ब्रस्ट एक्सलरेटर एस के आर पार्टनर्स विथ IIT मद्रास टू स्टेब्लिश 100 मिलियन स्टार्टअप हब। अदानी पोर्ट्स एक्वायर्स 95% ऑफ ओडिशा गोपालपुर पोर्ट। पहले ये SP ग्रुप के पास था, ये पोर्ट जो था, ये बंदरगाह, ये SP ग्रुप के पास था, लेकिन अब इसको अडानी ग्रुप्स ने 95% एक्वायर कर लिया है। NTPC ने 200 मिलियन डॉलर का जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन से रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है, ओके। और NHPC ने भी 20 मिलियन डॉलर का लिया है इसी बैंक से। वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, विश्व का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है अदानी ग्रुप के द्वारा कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये गुजरात के मुंद्रा में। और इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड AI बेस्ड फिल्म जो है, AI पर आधारित फिल्म है, वो इरा है, नाम क्या है याद रखना है। और इसको डायरेक्ट किया है सैम भट्टाचार्य जी के द्वारा। HPCL और टाटा ने ज्वाइन किया है नेशन वाइड EV चार्जिंग नेटवर्क के लिए, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है अभी बहुत ही ज़्यादा उस वो चलन में आ रहा है, तो उसको चार्ज करने के लिए जिस तरह से पेट्रोल पंप है फ्यूल डलाने के लिए, उसी तरह से चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। तो चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए HPCL और टाटा ने ज्वाइन किया है एक दूसरे को। IIM मुंबई और स्टार ब्रस्ट ने कोलेबरेट किया है एरोस्पेस और डिफेंस स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए, ओके। अब इंटरनेशनल न्यूज में आते हैं, तो न्यू दिल्ली लगातार चौथे वर्ष सबसे प्रदूषित, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल बन गया है, ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल कौन? नई दिल्ली, चौथे बार लगातार। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का जो रैंकिंग है 126th है और टॉप किया है फिनलैंड ने। थर्ड समिट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साउथ कोरिया में हुआ है। और न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया है ई सिगरेट्स और वेप्स को, ठीक है, वेप्स को। मुंबई ने ओवरटेक किया बीजिंग को किसमें? एशियाज बिलियनेयर कैपिटल, मतलब मुंबई में अब सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं, ये कौन बताया? हुरून रिपोर्ट ने बताया। इंडिया एट G20 इम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, जो G20 का सेकेंड इम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप हुआ उसमें, वो कहाँ पर हुआ? ब्राजीलिया में हुआ, ठीक है। और सऊदी अरेबिया टू पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स इवेंट इन हिस्टोरिक फर्स्ट, पहली बार इतिहास में पहली बार सऊदी अरेबिया मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करेगा। और इसका जो पार्टिसिपेट करेगा वो पीजेंट कौन होगी? रूमी अल कहतानी, रूमी अल कहतानी, ओके, नाम याद रखना है। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? डायना मेमोरियल अवार्ड से, ठीक है।
और रतन टाटा को दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। कर्नाटिक वोकलिस्ट हैं टीएम कृष्णा, तो यहाँ से आपको दो दो क्वेश्चन बन रहा है, एक टीएम कृष्णा क्या है वोकलिस्ट हैं और कहाँ के, कर्नाटक के हैं। टू बी कन्फर्ड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड, तो टीएम कृष्णा को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिनॉन पोएट प्रसिद्ध कवि जो हैं प्रभा वर्मा, इनको सेलेक्ट किया गया किसके लिए, सरस्वती सम्मान 2024 के लिए, 2023 के लिए। ओके, टीएचडीसी को मिला है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, टीएचडीसी को मिला है जीफ ग्लोबल इन्वायरमेंट अवार्ड, किस लिए, पावर इंडस्ट्री के लिए, पावर इंडस्ट्री में। और निशांत को मिला है, ये भी बहुत है इम्पोर्टेंट, 29वां देवी शंकर अवस्थी अवार्ड। माइकल टाला ग्रैंड को मिला है अवार्ड एबल प्राइज। ओके, और मधुमिता बुक, मधुमिता का जो बुक है उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है ओमेंस प्राइज के लिए नॉन फिक्शन ग्रुप में। विजय जैन को मिला है टाइम्स पावर आइकन 2024। डिफेंस में आर्मी ने रेज किया हेलीकॉप्टर यूनिट कहाँ पर, जोधपुर में, और वहां पर कौन सा होगा, अपाचे अटैक चॉपर्स। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट किया है HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, 25 ड्रोनियर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए। इंडियन आर्मी कंटिंजेंट डिपार्ट्स फॉर सेशल्स, सेशल्स एक द्वीपीय देश है, वहां पर सेशल्स और भारत के बीच में लेमितीय एक्सरसाइज होता है, तो लेमितीय 2024 के लिए ये गया है सेशल्स। ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में कौन सा होता है, एक्स टाइगर ट्रैम्प, ये कहाँ पर हो रहा है, ईस्टर्न सीबोर्ड में हो रहा है। ओके, इंडिया मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हो रहा है और ये स्टार्ट हो गया है। LCA कहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है, मोजाम्बिक में, और LCA का मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये MK1 ये जो है वो मेडन फ्लाइट इन बेंगलुरु, ये पहली उड़ान जो थी इसका बेंगलुरु में हुआ। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल को देखते हैं, तो यहाँ पर सैनी इंडिया साइंस MOU विथ JNK बैंक टू गिव फाइनेंस सॉल्यूशन, जम्मू कश्मीर बैंक को फाइनेंस सॉल्यूशन देने के लिए सैनी इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ओके, एक्सिस बैंक सपोर्ट करेगा टाटा मेमोरियल सपोर्टेड नेशनल कैंसर ग्रिड को, और यस बैंक पार्टनरशिप कर रहा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, क्यों, पेरिस ओलंपिक 2024 में। यस बैंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने नोटिफाई किया 90 रुपया का सिक्का, किस लिए, 90 साल हो गए किसके, RBI के। ओके, RBI इम्पोजेज 1.31 करोड़ रुपीज पेनाल्टी, किस पर, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर। ओके, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स जो 23-24 में है फाइनेंशियल ईयर में, वो बढ़ गया कितना, 18.74% से। और एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप किया है नॉइज और मास्टर कार्ड के साथ, ये न्यू वे टू पे अनवेल, ये न्यू वे टू पे। DBS बैंक इंडिया अनवेल्स $250 million लैंडिंग सपोर्ट टू स्टार्टअप्स एंड न्यू इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, फेडरल बैंक एंड NPCL इन्होंने पार्टनरशिप किया किसके लिए, कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए। गवर्नमेंट एलोकेटेड ₹6200 करोड़ टू बूस्ट RRB को बूस्ट करने के लिए 6200 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। स्टार हाउसिंग फाइनेंस ने पार्टनरशिप किया है टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस के साथ। LIC दुनिया का सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड है, किसके अनुसार, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस के अनुसार। इनोवेटिव पेमेंट्स एंड कंसर्टो सॉफ्टवेयर को मिल गया है RBI पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस। ओके, S&P ग्लोबल ने रेज किया है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए GDP कितने से, 8% का भविष्यवाणी किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। उज्जीवन SFB पार्टनर्स विथ विपिन सॉल्यूशंस फॉर MSME ग्रोथ। ओके, और RBI ने इम्पोज किया है यहाँ पर भी 59.90 लाख फाइन का, किस पर, नासिक जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पर। ओके,
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। अब यहाँ पर फिर से गवर्नमेंट ने बोरो किया है अप्रैल से सितंबर के बीच 7.5 लाख करोड़। कोटक महिंद्रा बैंक एक्वायर सोनाटा फाइनेंस, किसको? सोनाटा फाइनेंस को एक्वायर किया। सेबी कैंसल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग लाइसेंस ऑफ कार्वी इन्वेस्टर सर्विसेज। बैंक ऑफ इंडिया टू रेज 10,000 करोड़ वाया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। ओके, एक्सिस बैंक लॉन्चेज डिजिटल यूएस डॉलर फिक्स डिपॉजिट। किसके लिए? एनआरआई के लिए। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल यूएस डॉलर फिक्स डिपॉजिट एनआरआई के लिए। कहां पर? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी कहां पर है? ये है गुजरात में, ये है गुजरात में। ओके, और आईटी डिपार्टमेंट ने 564.44 करोड़ का पेनल्टी लगाया है बैंक ऑफ इंडिया पर। अब आते हैं स्पोर्ट्स में। मैथ्यू वेड रिटायर हो गए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, और ये जो मैथ्यू वेड हैं वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। ओके, उसके बाद है आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है। डब्ल्यूपीएल ओमेन्स प्रीमियर पहला एडिशन 2023 में हुआ था और इस बार दूसरा एडिशन था। इस पर डिटेल वीडियो आपको हमारे प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, चैनल में लिंक भी दे दिया, शेयर कर दिया जाएगा। ओके, अल्काराज बीट्स मेदवेदेव टू विन सेकंड स्ट्रेट इंडियन वेल्स टाइटल। तो इंडियन वेल्स टाइटल किसने जीता? अल्काराज ने जीता। ओके, और थर्ड एडिशन नॉर्थ ईस्ट गेम कहां पर हो रहा है? नागालैंड में। बीबीआई है ये। साथियान गणशेखरन ने डब्ल्यूटीटी फीडर बैरूत 2024 का मेंस टाइटल जीता है, और ओमेन्स टाइटल जो है वो जीता है किसने? ओमेन्स सिंगल का श्रीजा अकुला ने। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में जो इंडिया का फ्लैग बीरर होंगे वो शरत कमल होंगे। ओके, कार्लोस सैंजर विन F1 ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, केनिया ऑलराउंडर कॉलिंस ओबैया रिटायर। केनिया के ऑलराउंडर थे, क्रिकेटर थे कॉलिंस ओबैया, वो रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट है सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे ज्यादा आईपीएल में 277 रन बनाए। ठीक है, और श्रीलंका ने होस्ट किया ओमेन एशिया कप 2024 होस्ट करेगा, और आईआईटी मद्रास जो है वो होस्ट करेगा 6th शस्त्र रैपिड फिडे रेटेड चेस टूर्नामेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। कोटक बैंक ने अपॉइंट किया जयदीप हंसराज को, जयदीप हंसराज को प्रेसिडेंट। किसका? वन कोटक का। राहुल सिंह को अपॉइंट किया गया न्यू चीफ सीबीएसई का, और एनके सहगल को नया चेयरमैन बनाया गया प्रसार भारती का। और इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है पैरा आर्चर जो शीतल देवी है, शीतल देवी कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की, उनको नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन। तेलंगाना का गवर्नर जो थी तमिली साई सौंदर राजन, उन्होंने रिजाइन दे दिया, वो इलेक्शन लड़ है कहाँ से? तमिलनाडु से। ठीक है, बीजेपी की कैंडिडेट है। व्लादिमीर पुतिन ने रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया, कितने? 87.97% वोटों के साथ। पुनावाला फिनकॉर्प ने अरविंद कपिल को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। शेफाली शरण को भारत सरकार का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ठीक है, राधा कृष्णन एज्यूम्स ऑफिसेस एज तेलंगाना गवर्नर। तो सीपी राधा कृष्णन है, झारखंड के गवर्नर हैं ये कहाँ के गवर्नर है? झारखंड के। इन्हीं को प्रभार मिला है तेलंगाना का गवर्नर का। कुमार वेंकट सुब्रमण्यन को सीईओ अपॉइंट किया गया है P&G इंडिया के लिए। विनय कुमार को इंडियन एम्बेसडर बनाया गया है रशिया में। ओके, किरण रिजिजू को बनाया गया है एडिशनल चार्ज आफ्टर पशुपति कुमार पारस। ठीक है, उसके बाद है प्राबावो सुबियंतो, इनको इलेक्ट किया गया है नया प्रेसिडेंट कहाँ का? इंडोनेशिया का। और एम वी राव जो है उनको इलेक्ट किया गया है
एमवी राव को चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए, ओके। नवीन जिंदल को प्रेसिडेंट चुना गया है इंडियन स्टील एसोसिएशन का, और ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान एंड स्कीपर कैप्टन बनाया गया। इसके पहले महेंद्र सिंह धोनी थे, ओके। और मरियम ममेन मैथ्यू को चेयर डिजिटल न्यू पब्लिशर्स एसोसिएशन, जिसको डीएनपीए बोला जाता है, उसका अध्यक्ष। गोविंद ढोलकिया को न्यू चेयरमैन नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, किसका? सूरत डायमंड बोर्स। और सोमेंदु बागची को इंडिया का इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इराक, इराक में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर हैं। लुइस मोंटेग्रो मोंटिनेग्रो को पुर्तगाल का प्राइम मिनिस्टर नामित किया गया है। हंसा मिश्रा को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर इन यूपीएससी। यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो कौन है? मनोज सोनी, मनोज सोनी, ओके। मनोज सोनी को मनोज सोनी चेयरमैन है, और डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया इस बार, तो हंसा मिश्रा डायरेक्टर है, ओके। ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल में जुडिशियल मेंबर बनाया गया है। अभय ठाकुर आपको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट इनवाइट टू म्यांमार, ओके। म्यांमार में नीरज चोपड़ा एवरीडे का नया ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और सदानंद दाते 26/11 जो अटैक हुआ था मुंबई में, उसके ये बहुत ही साहसी हीरो बताया जाता है, मतलब उस समय इन्होंने लीड किया था वहां पर, और भी चीजें थी, ठीक है। तो उनसे जुड़ी हुई है इनकी कुछ बातें, तो इनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का चीफ नियुक्त किया गया है, सदानंद दाते को। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और बासी तिरोउ डियोमेये फाये को सेनेगल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन्होंने जीत लिया है। निधु सक्सेना को अपॉइंट किया गया एमडी और सीईओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सीताराम मीना को इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर। और गिरिजा सुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया है सीएमडी ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। अर्णव बनर्जी को चेयरमैन एटीएमए, मतलब ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ओके। बुक्स एंड ऑथर्स को देखते हैं, तो इस बार का जो बुक और ऑथर है, जो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है उसमें तीन चार बुक है, और इस बार सेकंड पार्ट में एक ही बुक है। कौन सा है? फ्रॉम ये कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ऑथर्ड बाय एस रमन। और ये किस पर बुक आधारित है? एन नाथ नारायण मूर्ति पर, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, इन्फोसिस के फाउंडर हैं, इन्हीं पर ये बेस्ड है ये बुक, ओके। को किसने लिखा है? एस रमन ने लिखा है इस बुक को। अब ओबिचुअरी है, किन किन लोगों का निधन हो गया, तो रिनाउंड रविंद्र संगीत सिंगर थे सादी मोहम्मद, इनका निधन हो गया, ठीक है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर कप्तान सईद अहमद का, क्रिकेट कप्तान। और तमिल एक्टर थे लक्ष्मी नारायण सेसु। नोबेल प्राइज विनर डेनियल कैनमैन का निधन हो गया, ओके। तो ये सेशन समाप्त हुआ। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और आप सर्च भी कर सकते हैं एट द रेट द कंपेंडियम पीडीएफ, ओके। तो ये सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।